पता नहीं जब मेरी बच्ची इस दुनिया में आएगी मैं क्या करूंगा। शायद उसे सीने से लगा लूंगा, शायद उसकी हर सिद्ध, उसकी हर इच्छा किस तरह पूरी करूंगा मैं नहीं जानता। मगर माई, मैं इतना जानता हूं कि आज के बाद जब तक मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं आ जाती और उसके बाद और सारी जिंदगी आखिरी सांस तक मैं तुम्हें एक उंगली भी उठाने नहीं दूंगा। इस दुनिया की सारी खुशी, इस दुनिया का सारा प्यार मैं तुम्हारे और अपनी बच्ची के नाम कर दूंगा। हर बात का, हर सांस का, हर वादे का, हर इच्छा का ख्याल रखूंगा। सारी जिंदगी, हमेशा हमेशा के लिए। मालूम है जब मेरी बेटी इस दुनिया में आएगी। क्या हुआ? बेटी? हाँ बेटी। बेटी नहीं, बेटी क्यों सा बेट? अरे मुझे बेटी तुम्हारे जैसा सत्या। उसके आने के पहले से ही ना मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है। अपना पूरा बेडरूम मैं ब्लू कलर करवाऊंगी, उसकी बेडशीट, उसके तकिए, सब चीज, उसकी ब्लैंकेट, हर चीज ब्लू होगी। उसका नाम भी मैंने सोच रखा है, सत्या और माही दोनों के नाम से जुड़ा हुआ एक नाम। पर मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा होगा सत्या, बेटा होगा। अरे बाबा तुम्हें किच्छु जानो ना, माही को ही पूछ लेंगे। मैं तो माही को माज खिलाऊंगी, बच्चा बुद्धिमान होगा। है रे, कैसी बातें कर रही है? मटन चिकन खिलाएंगे तभी तो पहलवान होगा, है ना? तुम्हें किच्छु जानो ना। आ, तो सब कुछ जानती है मम्मी। तो क्या मैं माज खाती हूँ तो मैं दिखाऊं फिर तेरे को अपनी पहलवानी? अरे आप लोगों ने इससे पूछा, इसको क्या चाहिए, तुम्हें क्या खाना? माही बेटा तो क्या खाएगी? माज है, मटन माच, चिकन माच, मैं ना और डिमसम्स विद सोया सॉस एंड गोकामोली पेस्ट। वो ये बनाएगी। ये बनाएगी? तुम बनाओगी? अरे तुमने बोला था ना कि तुम बनाओगे। अरे मैंने तो मटन बोला था। मैंने भी माच बोला था, माच बहुत अच्छा बना। हो 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 हो, बस भी कर दो यार। ये बनाएगी, ये बनाएगी, ये बनाएगी के चक्कर में आप दोनों ने हमारा बेवकूफ बना रखा है। नहीं मतलब इस वक्त इसको शांति खानी है यार। मैं मतलब शांति चाहिए इसको, तो आप लोग जाइए थोड़ी शांति दीजिए इसको। अब शांति कहाँ मिलेगी? शांति कहाँ से? क्या पता? मैं बताता हूँ। किचन में जाओ, ऊपर वाला ड्रॉर खोलिए। जब खोलेंगे ना, एक छोटे से जार के अंदर शांति पड़ी हुई, उसके बगल में गुआकामोली पेस्ट है। शांति के ऊपर लगाओ और इधर लेके आओ। जाओ, टांग खींच रहे ना हमारी, उल्लू बना रहे ना हमको। मैं कौन हो तो आपको उल्लू बनाने वाला? आप तो आपस में ही वो काम संभाल लेते हो ना। चलो शांति, मुझे पता है शांति कहाँ मिलता है। चलो चलो मैं बताती हूँ। किसको मेरे पल्ले बांध दिया तो? चलो ना, उल्लू बना रहे हो तुम। अरे बाप रे, हो गया तमाशा शुरू तुम्हारे चक्कर में। पर मुझे जेन्युइनली क्रेविंग हो रही है डिमसम खाने की। अब मेरी प्रेग्नेंट बीवी को क्रेविंग्स भी शुरू हो गई, डिमसम लाना तो बनता है। दोनों कितने अच्छे लगते थे। ये तस्वीर ना उस दिन की है जिस दिन रोशनी प्रेग्नेंट हुई थी। पूरे घर में खुशियां खुशियां थी। जैसे ही पता चला कि रोशनी प्रेग्नेंट है, सिमरन जी ने घर को सर पे उठा लिया।
उस दिन के बाद इस घर में हर काम रोशनी की पसंद का होता था। घर में जो भी खाना बनेगा वो बस रोशनी की पसंद का बनेगा। सब कितने खुश थे। पर अब तू प्रेग्नेंट है तो आज से इस घर में वही काम होगा जो तुझे पसंद है। दादू, जब हम सब एक साथ हैं, हमारा ऐसा परिवार है, तो फिर इस बच्चे का सौभाग्य है कि वो इस परिवार में जन्म ले रहा है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती। मैं बहुत खुश हूं था, बहुत खुश। नहीं पुत्र, सब अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। भाई, जब हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो हमारा कोई कैसे बिगाड़ सकता है ना? आदत। सुन, एक मच्छरदानी और रूम फ्रेशनर लेके आ। क्या? अच्छा रुक, सुन, वो पेस्ट कंट्रोल वाले को फोन करना था ना। अरे माही जिस कमरे में रहेगी उसका पेस्ट कंट्रोल होना तो जरूरी है ना। जा फोन कर दे। जा। नहीं रुक, सुन, पेंटिंग्स होनी चाहिए कमरे में, जो हंसते हंसते बच्चे और प्लेजेंट 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 एटमोसफेयर होना चाहिए। जा लेके आ। नहीं सुन, वो मैं कर लूंगा। एक काम कर, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, कैंडल 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 चाहिए, फूल चाहिए। अब कमरे की एम्बियंस अच्छी होनी चाहिए ना। जा लेके आ। सुन सुन सुन, नहीं मैं संभाल लूंगा। जा चलो चलो माही के पास। अरे अरे बोरी मिली फास्ट, कहाँ निकले? अरे कुछ नहीं है। अरे बाबा, हम तो ना माही के पास जा रहे थे ये पूछने के लिए कि तुम दोनों के बच्चे की गॉड मदर कौन है। ये तो ऐवे ही पूछ रही है। मुझे तो पता है कि मैं बनने वाली हूँ, लेकिन चलो ये कह रही है। तुम क्यों बनोगी? मैं बनूंगी गॉड मदर। भाई हक मेरा बनता है गॉड मदर बनने का। अरे ऐसे कैसे हक बनता है? मैं बताऊं, ये मेरे एक सेकंड, बच्चे के बाप कौन? मैं ना, तो मैं डिसाइड करूंगा बच्चे की गॉड मदर कौन होगी और कौन नहीं होगी। वैसे एक बात बताऊं, दिल पे हाथ रख के आपको मैं, आप दोनों को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि चुनाव करने के लिए कोई खास चॉइस है मेरे पास में। लेकिन फिर भी क्योंकि आप ही दोनों हैं इसलिए एक टेस्ट तो बनता है। कौन सा टेस्ट? तो प्रतियोगियों, मैं आपको ये बता दूं कि बच्चा जब छोटा होता है तो दिन में कई बार पॉटी कर देते हैं, और अगर पॉटी कर देते हैं तो उनको डाइपर पहनाना पड़ता है। डाइपर, आप डाइपर को तो अच्छी तरह पहचानते हैं ना, और डाइपर पहनाना कोई आम बात नहीं, बहुत खास बात है, कला है, कला, इट्स एन आर्ट, हर कोई नहीं कर पाता है। अब आप दोनों में से जो भी कम वक्त में, यानी कि लिटिल टाइम में, यानी कि जल्दी जल्दी बच्चे को डाइपर पहना देगा, वही मेरे बच्चे की गॉड मदर बनेगी। समझे आप लोग? अरे वाह, ये तो बहुत आसान है, फिर तो मैं ही जीतूंगी। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। ला। नहीं, आप एक काम करिए, बाएं के साथ साथ दाएं हाथ भी यूज कर लीजिए। दोनों हाथ यूज करेंगी तो मेरे बच्चे की गॉड मदर बनने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ऑल राइट, ककेले ला दे दे। लो, मगर दोनों हाथ इस्तेमाल करना। ओके, ए वेट 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 वेट, 1 2। अरे आजकल ऐसे डायपर आ गए, हमारे जमाने में तो वो ऐसे 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 वाले होते थे, हम उसको रोल रोल। अरे बाबा इतनी बात मत करो, मैं जीत जाऊंगी। लेकिन इसको ये कैसे बनाते हैं? हो गया, मैं जीत गई है। देखा, अब मैंने भी टाइम अप हो गया। बहुत देख लिया मैंने। नहीं नहीं नहीं, चिंता मत करिए, आप लोगों ने एकदम सही वाला काम किया। इनफैक्ट मेरी बहुत बड़ी परेशानी आपने हल कर दी है। सासू मम्मी, एक सेकंड, ये बच्चे को डायपर कैसे पहनाते हैं जरा एक बार दिखाइए इनको। ये क्या किया? ये सिंपल। हाँ, और बहुत ऐसे दिलाते वो तो मुझे भी। चलो, तो इसी के साथ मैं कॉन्टेस्ट के समापन की घोषणा करता हूँ, और आपको ये भी बताता हूँ कि मैंने चुन लिया है कि मेरे बच्चे की गॉड मदर कौन बनेगी। एनी गेसेस? मेरी प्यारी सासू मम्मी, और कौन? क्या मतलब? सासू माँ का चमचा। सासू मम्मी का चमचा मैं? खुद पता नहीं कि बच्चे को डायपर कैसे पहनाते हैं। एक ने सर पे पहना दिया, एक ने हाथ पे पहना दिया, ये भी नहीं पता कि बच्चा पॉटी कहाँ से करता है। शर्म नहीं आती क्या आपको? बढ़िया, ये गॉड मदर बनने वाली। मित्तल, करा ली अपनी बेइज्जती? मैं तो पहले ही कह रही थी इस कंपटीशन में मत पर, हम पहले ही वो पायल को बना देते हैं गॉड मदर। ये कब कहा था आपने? कहा तो था वहां
वैसे वैसे बुरा मत मानिएगा दादू मम्मी, बिन पेंदी के लोटे का ना ह्यूमन वर्जन है आप, समझिए आप। अब ये खड़ी रहेगी, चलना नहीं है, किचन में इतना सारा काम है, चल। हाँ, हाँ, ये ले। टाटा दादू मम्मी। बच्चे अभी तक आए नहीं घर में, और इन दोनों को देखो अभी से बच्चे हो गए। मगर कुछ भी कहिए सासू मम्मी, बच्चे की खबर आते ही ना इस घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई है, अलग ही माहौल हो गया घर का। अब दावा है मेरा, हमारे परिवार को, इस घर को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। टच वुड, बिल्कुल सही कह रहे हो सत्य। ये दिन ना एक माँ बाप के लिए बहुत स्पेशल होता है, पूरा परिवार इस दिन का इंतजार करता है। पूरा परिवार। अरे बेटा ये भी होगा, थोड़ा टाइम रुक जा, ऐसे तू फूल के गप्पू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये खाना बहुत जरूरी है। ये क्या है? अरे खा ना बेटा, जो भी है चुपचाप खा ले, अपने बच्चे के लिए और अपने लिए ताकत चाहिए कि नहीं। क्या मैं? हाँ मेरी दादी बनाया करती थी, मैंने बस वही रेसिपी फॉलो की है। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, आराम से खाना। एक बात कहूँ? कहो ना दादू मामा। तू ना सत्या पर नजर रखना। क्यों? अब मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ? ये जो आदमी होते ना बड़े कमीने टाइप होते हैं। अब प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद तू गप्पू हो जाएगी। तेरी आदमी की जो नजरें होती है ना, वो इधर उधर घूमनी शुरू हो जाती। हाँ मुझे पता है सत्या ऐसा नहीं है, लेकिन तू ना शुरू से ही सत्या को टाइट करके रख। जैसे ही तुझे लगे कि उसकी नजरें इधर उधर घूम रही हैं, तू उसके कान पकड़ ले, है? ये बात काट बांध के रखना, ये तेरे मेरे बीच में है। चल अभी मैं चलती हूँ, मैं ना तेरे लिए चिकन स्टू बनाया है। हाँ ये तो मित्र खा जाएगी। सत्या पर नजर रखना। तेरी आदमी की जो नजरें होती है ना, वो इधर उधर घूमनी शुरू हो जाती। अरे क्या क्या कर रही हो यार, मैं पढ़ रहा था ना। दादी बिल्कुल ठीक कह रही थी, अभी तक तो बच्चा भी नहीं हुआ है और तुम्हारे लक्षण दिखना शुरू हो गए। मैं मोटी भी नहीं हुई और तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट हो गया। अगर तुम्हें ये सब करना है ना सत्या, तो मुझसे बात मत करना। क्या क्या बोल क्या रही हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो ये मैगजीन में क्या देख रहे थे तुम? फेसबुक। Oh God! ये इसकी वजह से इतनी सी बात? अरे अजीब हो तुम यार। ये देखो, तुम ये देखो क्या पढ़ रहा था मैं। खुश, अगर बच्चों के बारे में पढ़ूंगा नहीं, उनकी परवरिश के बारे में सीखूंगा नहीं, तो अपने बच्चे की परवरिश ठीक से कैसे करूंगा? मेरा भी तो पहला चांस है ना बाप बनने का। अंतर्यामी थोड़ी हूं मैं, बेमतलब उंगलियां उठाती हो, अश्लील गंदे इल्जाम लगाती हो पति पे, शर्म नहीं आती क्या तुमको? हा? वैसे एक बात कहूं, लगता है तुम्हारे मूड स्विंग्स अभी से शुरू हो गए। तो मूड स्विंग्स तो होंगे ही ना। सॉरी। इट्स ओके। वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सेठ पत्थर बहुत बड़ी खुशखबरी, तुम लोग बाबा दादी बन रहे हो। मैं जानता हूं
तुम लोग जहां कहीं भी हो अपने पोते को आशीर्वाद दे रहे होगे, बहुत खुश हो ना तुम। कमाल करते हैं दादाजी, मेरे आई बाबा के दादा दादी बनने की खुशी है आपको, अपने परदादा बनने की नहीं। करण पुत्र क्या बताऊं, आज तेरे माँ बाप होते तो कितना खुश होते। एक बात कहूं दादाजी, मेरा बच्चा अपनी किस्मत ऊपर वाले से सुनहरे कर्म से लिखवा के आ रहा है। जब मैं पैदा हुआ था तो अपने माँ बाप से बिछड़ गया था और मुझे तब तक अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला जब तक मैं यहां आपके पास नहीं चला आया, और उसके बाद मेरे दादा ने मुझे माँ बाप दादा दादी सबका प्यार दिया। आधी जिंदगी गुजर गई इस परिवार के प्यार की तलाश में, मगर मेरा बच्चा पैदा होते ही उसके पास उसकी माँ का बाप का दादा का परदादा का पूरे परिवार का प्यार है। खुद ही सोचिए दादाजी, जिस बच्चे की हर सांस में इतने सारे लोगों की खुशी, उसके ऊपर तो ऊपर वाले का हाथ होगा। वो बच्चा कभी नहीं हारेगा और जीतता ही रहेगा। अब सिर्फ खुशियां हैं दादाजी, इस परिवार में सिर्फ खुशियां। करण पुत्र, जब मैं तुझे देखता हूं ना तो मुझे अपने सिर की बड़ी याद आती है, रोशनी की भी बहुत याद आती है। पर अब मैंने फैसला किया है कि भाई अब इस घर में कोई रोएगा नहीं, सब खुश रहेंगे, क्योंकि अब इस घर में खुशी आने वाली है ना। ये आप मुझे कह रहे हैं खुद को? आंसू तो आपकी आंखों में। दादाजी, मेरी आई कहा करती थी कि अगर खुशी के मौकों पे आंसू आए तो उन्हें बह जाने देना चाहिए, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद होते हैं, सबको देखना चाहिए। और वैसे भी किसी महाविद्यान ज्ञानी ने कहा है कि पुष्पा, आई हेट टीयर्स। बकैत है तू, तेरा बाप तुझसे भी बड़ा बकैत था। आपको क्या हो गया? और इसका बाप सबसे बड़ा बकैत है। अब ये खानदानी बकैती बंद करते हैं और जो मैं काम की बात कह रहा हूँ तू वो सुन, चल मेरे साथ। अरे मगर कहाँ दादाजी? अरे चल तो सही। अरे संभाल संभाल, चल। कभी कौन सी सब पकड़ लिया आपने? चल। क्या हो गया? रुको, कहाँ जाना है आपको? ये पार्सल देना मुझे। इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें, बट ये पार्सल मुझे इसी एड्रेस पे देना। ओके, हमें बाद में फोन कर। गार्ड्स, आने दो उसे। क्या है? मैडम आपके दवाइयों का पास। Sorry. It's okay, ma'am.
मामा ये सत्या कहाँ गया है? नजर नहीं आ रहा। पता नहीं किधर है। अब डैड बनने वाला है ना, बिजी होगा। ये लो मॉम, नो टूथ। आई हेट मिल्क, आई कांट हैव दिस। माही, इट्स नॉट फॉर यू, हमारी बेबी के लिए। ये लो। अब मैं इस बच्ची को सबसे ज्यादा प्यार करने वाली हूँ।